हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तवा। वेलकम टू माय चैनल आदर्श आलिया। मैं रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर जमशेदपुर वेमेन यूनिवर्सिटी। हम देख रहे हैं लाइव प्रोसेसेस क्लास 10 बायोलॉजी का, जिसमें लास्ट चैप्टर बचा एक्सक्रीशन, जिसके बारे में एक ओवरव्यू हम देख चुके हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमने देखा, जिसमें कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं, इसके अलावा कुछ फिकल मैटर बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है हमारे शरीर से। तो ओवरऑल भले हम कह दें कि ये सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालने का प्रोसेस है, बट नॉट दीज ऑल प्रोसेसेस आर एक्सक्रीटरी कम अंडर द हेडिंग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, सर्टेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, प्लस मेनली जो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजिनस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यूरिया, उसे बाहर निकालने के लिए, वो बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है बॉडी के सेल्स को, उसे बनने के साथ ही इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में खासतौर से अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजिनस वेस्ट में मेनली जिसमें है यूरिया एंड यूरिक एसिड, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यूरिक एसिड बनता है। तो देर आर द लेस टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू अमोनिया, बट स्टिल दे आर वेरी मच हार्मफुल। तो उनको अब बनते जा रहे हैं और निकालते जाएं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, भले बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां से निकलता है, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ डेफिनेट मैकेनिज्म्स होने चाहिए। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लिविंग थिंग्स की, अपग्रेड होती जाती है, वैसे वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। वो किडनी मेनली यूरिन बनाता है बॉडी में, ब्लड में जितने मिक्स हो जाते हैं जितने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाते हैं हमारे शरीर में। हम ये सब सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये सब ऑलरेडी हो रहा है, नेचर ने सारा इंतजाम खुद, वो नेचर गुरु है जिसे किस तरह की कहां प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सिस्टम अरेंज करके रखा हुआ है प्रकृति ने या कुदरत ने। सो आज जो हम देखने जा रहे हैं मेन चीजें हैं जो देखेंगे हम, सबसे पहले ये ब्लड सिस्टम में, ब्लड में आते हैं वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो कलेक्ट होते हैं, जो ये जो रेड एंड ब्लू ये हम पहले देख चुके हैं, प्यूरिफिकेशन, प्योर प्योर ब्लड एंड प्यूरिफाइड ब्लड एंड इम्प्यूरिफाइड ब्लड। ब्लू को डिनोट कर रहा है वेनस ब्लड, दैट इज इम्प्यूरिफाइड ब्लड, और रेड है प्यूरिफाइड ब्लड। बट बाकी ये जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम जब सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी का, तो इस ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन ऑल द एक्सक्रीटरी वेस्ट दे आर कलेक्टेड थ्रू दिस दिस ब्लड पासिंग ब्लड। अब ये आर्टीरियल ब्लड जब टिश्यूज तक जाते हैं तो वहां रिएक्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इम्प्योर ब्लड हो जाता है, और उस ब्लड के साथ ही लौटते हुए टिश्यूज के साथ जब ब्लड लौटता है तो उस ब्लड में और उनके साथ बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल मिले होते हैं जो शरीर के लिए टॉक्सिक हैं, उनको पहुंचाना होता है बॉडी के निचले एब्डोमिनल पार्ट में जो डॉर्सली सिचुएटेड होता है। हमारा किडनी जो है वो हमारे बॉडी के पिछले भाग में बैकबोन के दोनों साइड में सिचुएटेड होता है, जस्ट इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन। तो ये किडनीज हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन किडनीज के साथ साथ फिर आते हैं आप सिस्टम में, ये किडनी का पोजीशन हो गया, देन कम्स दिस, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, द टू किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनीज कमिंग आउट थ्रू टू किडनीज आर द वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, टू ब्लड वेसल्स, एंड फाइनली दीज यूरेटर्स दे आर कलेक्टेड बाई एन यूरिनरी ब्लैडर विच इज ओपन्स आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये सारा हम नेक्स्ट आगे के स्लाइड्स में देखने जा रहे हैं। देन ये किडनी की सिस्टम आप देख सकते हैं आप,
डर्टी ब्लड या इम्प्यूरिफाइड एंड डर्टी में डिफरेंसेस क्या है, ये हम पहले भी लास्ट वीडियो में भी देख करके आए हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। तो एक्सक्रीशन क्या है, कितने तरह के मोड्स हैं, ये सारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से ये आर्टरी से ब्लड किडनी में जा रहा है, वेन से ब्लड किडनी से बाहर निकल रहा है, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये यूरिन के फॉर्म में नीचे जाकर के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जमा होगा और बाहर निकलेगा। ये सारा डिटेल्स अभी हम देखने जा रहे हैं। अब ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्वार्टिक्स है, मेडुला के पिरामिड्स हैं, और ये हाइलम है, और ये पेल्विस है जहां से यूरेटर बाहर निकलता है। दिस इज अ स्पेस। सो ऑल दीज, ये कि हर किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं और ये जो ऊपर की तरफ के कॉर्टेक्स में स्पॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर, ये यहां से लेकर के यहां तक एक स्पॉट की तरह, पिन की तरह दिख रहा है, जिसमें नीचे ट्यूब्यूल है और ऊपर एक पिन की तरह का हेड है। दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ये पीछे कंटिन्यू होता है, एंड ईच सेक्शन इज यूनिट इज नेफ्रॉन। सो द यूनिट नेफ्रॉन्स आर द यूनिट ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर्स। नाउ ये सारा देखने के बाद हम देखेंगे कि किडनी के इश्यूज, एनसीईआरटी के क्लास 10 के बायोलॉजी में किडनी के प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हो जाते हैं ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शंस और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो किडनी नुकसान, किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो तो किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और इनकी वजह से जो ये डिफरेंसेस आते हैं बहुत एक्सेसिव कंडीशन में, किडनी फेल्योर का कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है, तब हमें आर्टिफिशियल किडनी लगा करके, एक्चुअली ये डायलिसिस टर्म अभी हम देखेंगे कि जो किडनी भी फिल्टर करता है उसको भी हम डायलिसिस ही कहेंगे, बट आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से जब नेचुरल किडनी काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल किडनी की तरह की सहायता से बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। सो दीज are the things that we are going to do in this video. ये table of contents हम excretory system में देख रहे हैं, excretion का meaning in general हम देख चुके हैं, modes of excretion देख चुके हैं, जो excretory waste निकलते हैं वो यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अमोनिया है, उनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ excretory modes हैं, जिनमें आते हैं अमोनोटेलिक, जिसमें अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, यूरियोटेलिक जो हम हैं जिनमें यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दैट इज अनिमोटेलिक, सॉरी अमाइनोटेलिक, अमाइनो एसिड्स वेस्ट होते हैं, गुआनोटेलिक, गुआनाइन होता है। सो दीज आर ऑल वी हैव डन, एक्सक्रीशन के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, प्लांट्स में कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, दीज आर द एग्जांपल्स। ये जो स्लाइड है ये हम कर चुके हैं। हम आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारा, इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड क्लिनिकल कंडीशंस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द एक्सक्रीशन मीनिंग, ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये मेनली हम देख करके आए हुए हैं कि एक्सक्रीशन में इन फॉर्म ऑफ फीसेज जो बाहर निकलता है, दैट इज ऑल नॉट एक्सक्रीशन, रादर इट इज इजेशन और डिफिकेशन। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर एलिमिनेटेड, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन फॉर्म ऑफ गैसियस और सॉल्ट्स और मिनरल्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली जिसमें अमोनिया है, जो जिसका सबसे हार्मफुल प्रोडक्ट होता है यूरिया। तो ह्यूमन में ये एक्सक्रीशन किडनीज, लंग्स और स्किन से होते हैं। तो ये दिस आल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे लंग्स से क्या निकलता है, इंटेस्टाइन से, यहाँ पे इंटेस्टाइन छूटा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है फीसेस। सो दोज आर द थिंग्स, एक्सक्रीटरी मोड्स हम लोग देख चुके हैं, वेस्ट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, सॉरी प्रॉब्लम्स थोड़े हो रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा गैप भी हो गया है, बट अब आपके एग्जाम सर पे हैं क्लास 10 के, तो मैंने सोचा इसको खत्म ही करें, स्वेट, यूरिन, फीसेस। सो दीज आर द थिंग्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम जिसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज, जबकि जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, जिसके थ्रू वाटर
आयोनिक बैलेंस ये भी ये सारा मेंटेन करती है किडनीज, एंड दोज आर द किडनीज. ये किडनीज जो है द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिनमें थ्रू यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स तीन मेन स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये तीन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के जो भी हम देखेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स यूनाइटेडली क्रिएट अ लिक्विड ऑफ पेल येलो कलर जिसमें यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट्स होते हैं, जिनको एक्सपेल किया जाता है थ्रू द यूरिनरी पैसेज और ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रा, एंड दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको हम देख करके आए हैं. किडनीज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन प्रोमोटिंग होम्योस्टेसिस, अ प्रोसेस दैट helps to maintain the stability that helps the organs or biological systems to survive. Now, a human body is an exceptional machine where different life processes take place simultaneously. Hamari body mein ek saath sare kaam simultaneously hote rehte hain. Idhar digestion bhi ho raha hai, idhar respiration bhi ho raha hai, idhar circulation bhi ho raha hai, reproductive activities ho rahi hain. In sare systems ke दौरान बहुत सारे केमिकल्स एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनकी फ्रॉम मेडिकेशंस एंड हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड. सो सिंपल डिफ्यूजन से इतने सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को आसानी से बाहर निकालना संभव नहीं है, जिसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सबसे पहले इसमें ब्लड जो आता है, ये दिस ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो सर्कुलेटिंग मीडियम है बॉडी का, यही रन कर कैरी करता है सारे जो डर्टी या टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ले जाता है किडनी तक, और किडनी में छान करके हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देता है, और यूजफुल सब्सटेंसेस फिर से इस ब्लड में मिल जाते हैं जिस और वहां से फिर ये हार्ट में आता है. ये यूजफुल सब्सटेंसेस से मिला हुआ ये हार्ट का पंपिंग हो रहा है, पंपिंग से हार्ट आर्टरीज के थ्रू ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर जगह जाता है ब्लड, बट किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होता है, वहां से फिर ये आ जाता है वेना कवा में जो मेन वेनस पार्ट है, जहां से ब्लड हार्ट में जाएगा, वहां से लंग में जाएगा, और इस तरह से ये एक सिस्टम चलता रहता है. और जो छना हुआ भाग है वो किडनीज में आता है, किडनी से यूरेटर के थ्रू बाहर निकलता है, दैट इज थ्रू यूरिन. सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, दैट इंक्लूड्स a pair of kidneys, a pair of ureters, these are the kidneys, a pair of ureters, these are the light colored ureters, a single urinary bladder jisme dono taraf ki kidney, right kidney aur left kidney se ureter aate hain, aakar ke khulte hain, aur uske baad ek chhota tube hota hai jiske through ye urinary passage bahar khulta hai, that is called as urethra. So this is about the excretory parts of or the organs of the excretory system in human. अब एक चीज जो ध्यान देने की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये दोनों किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड्स, एक एक एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं. एड्रीनल ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड इन साइज कहा जा सकता है, जो सबसे बड़ा होता है, और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो इमोशनल अदरवाइज एज वेल बहुत सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं बॉडी के, दैट वी विल सी सेपरेटली. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थोड़ा मैंने बताया हुआ भी है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दौरान. अब उसके ठीक नीचे जो किडनी है, किडनी की पोजीशन आप देख रहे होंगे, एक थोड़ा ऊंचा है और एक थोड़ा नीचे है. दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी. सो राइट किडनी आप देख रहे हैं कि नीचे है और लेफ्ट किडनी ऊपर है. ये कंडीशन इसी तरह से पाया जाता है, एंड दिस लोअरनेस, इसीलिए इसका थोड़ा वेट भी कम हो जाता है, ये थोड़ा दब जाता है ड्यू टू द लिवर, लिवर के प्रेजेंस, लिवर राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और राइट किडनी थोड़ा नीचे भी आ जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट भी होती है, और वेट भी उसका थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट वन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान से सुनिए,
नोट कीजिए, क्योंकि हर चीज स्लाइड में मैं लिख के नहीं भी दे पाई हूँ. सो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. Now each kidney contains about 9 lakhs to 1 million nephrons. These nephrons are the constitutive units of the kidneys. ये जो kidneys हैं, paired bean shaped kidneys. हर kidney एक bean shape की kidney होती है. इनके points अब एक एक line हम नहीं पढ़ते हैं. आप इसको freeze करके, pause करके, screenshot लेकर के बाद में points अपना note कर सकते हैं. और एक और चीज, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाद मैं सारे अपने presentations को PDF फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ताकि उससे आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे. सो दैट आई होप कि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा. अभी आप ध्यान से सुनते जाइए कि नाउ लेट अस कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ये एक पेयर ऑफ किडनीज होते हैं. दीज आर कॉनकेवो कॉन्वेक्स इन स्ट्रक्चर, बीन के शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो आप सेम या लोबिया ये सब आप लोग देखे होंगे. डॉर्सल साइड कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है और इन वेंट्रल साइड कॉनकेव होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है. दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स साइड बीन शेप्ड साइज. ये शेप है इसका, जो कॉनकेव पोर्शन है अंदर का, इसमें जाते रहते हैं दो ब्लड वेसल्स हैं. दिस ब्लू वन और कैरीज द इम्प्योर ब्लड और कार्बो सॉरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस. इम्प्यूरिफाइड और कार्बोक्सीफाइड, दैट इज कार्बोक्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने वाला ब्लड है इस ब्लू ब्लड वेसल में, विच इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कावा. और दिस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल aorta, द मेन aorta, जिसमें प्यूरिफाइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके थ्रू रन करता है. तो सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड, दीज आर कॉल्ड किडनी में जाने वाले इन वेन्स, इन ब्लड वेसल्स को रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी कहते हैं. अब दोनों ही वेन भी और आर्टरी भी स्प्लिट होकर के, बाइफरकेट होकर के, एक एक ब्रांच आर्टरी का भी और वेन का भी किडनी में जाता है. सो दीज आर द रीनल आर्टरीज. ये मेन रीनल aorta है जिससे किडनी में जाने वाला ब्रांच रीनल आर्टरी होता है, जो राइट है एंड लेफ्ट है. उसी तरह से ब्लू वेसल जो वेना कावा है, मेन वेन, वो भी स्प्लिट होकर के दोनों किडनी में जाएगा एज रीनल वेन इन राइट एज वेल एज इन लेफ्ट किडनी. Now, अब ये अंदर जाके क्या करते हैं ये हम इसके बाद देखेंगे. हम वन बाय वन देखने जा रहे हैं. पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, देन द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनीज है उनका स्ट्रक्चर, देन किडनी के यूनिट्स एंड नेफ्रॉन उनका स्ट्रक्चर, और तब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन का कंपोजिशन, एंड देन about the clinical conditions. So this is the generalized human excretory system. Andar ki taraf ja kar ke filtration hota hai kidney ke units mein. Jo ab aap yahan ek cheez bahut pehle bhi maine aapko bataya hai ki ye jo blood ja raha hai jo lal rang ka hai, that is called as oxygenated blood or pure blood. To ye pure blood is sense mein hai ki ye oxygen carry karke ja raha hai, kyunki kidney mein bhi activities hone wali hain. Hum jahan bhi, jo bhi hamara body ka cells aur tissues hain, wo jab kaam karte hain to uske liye oxygen ki zarurat hoti hai. To wo oxygen ko carry karke organs tissues tak jata hai, that is the purified blood or oxygenated blood. But किडनी में जो प्यूरिफाइड ब्लड आ रहा है, ये शुद्ध रक्त की जगह इसे हम डर्टी ब्लड कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो कैरी कर रहा है बट बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बने हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं और सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, उन सारी चीजों को ये किडनी तक लेकर के ये ब्लड आ रहा है. इसीलिए ये जो रेड वेसल्स हैं, ये प्यूरिफाइड बट डर्टी ब्लड ले आते हैं किडनी तक, और जो किडनी से ब्लड निकल के वापस ब्लू वेन में जाता है, ये क्लीन ब्लड है बट इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट है, क्योंकि किडनी के अंदर भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हुए हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए हैं, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और ये सारा
जा रहा है अब प्यूरिफिकेशन के लिए हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग में प्यूरिफाई होकर के फिर हार्ट में आएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखती हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। नाउ कैपिलरीज ऑफ किडनीज आफ्टर द ब्लड एंड एसेंशियल सब्सटेंसेज, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, अभी इनके वर्ड्स हैं कि ये क्या क्या चीजें कैरी करता है गंदा ब्लड, जो इंक्लूड्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर गेट रीअब्सॉर्ब्ड। सो ये चीजें, इसके अलावा ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, कुछ रिक्वायर्ड आयंस एंड सॉल्ट्स भी हैं, इन चीजों की शरीर को जरूरत है। इनके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब भी हैं। तो ये सारा लेकर के आता है, एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू यूरिन। ये किडनी में आएगा, ये पूरा सर्कुलेशन में ये सारी एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ फिर इनको फिल्टर करेगा किडनी, और जो जरूरी चीजें हैं उनको वापस भेज देगा रीअब्सॉर्प्शन करके ब्लड फ्लो में, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको यूरिन के फॉर्म में एक्सेस ऑफ वाटर के साथ बाहर निकाल देगा, जो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के वाया यूरेटर्स, और यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड स्टोर होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि यूरिन बनता जाता है और बाहर निकलता जाता है, ब्लड स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और दैट एक्सपल्शन ऑफ यूरिन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। The urinary bladder is under control of central nervous system, that is ye brain control karta hai, brain se message jata hai to the brain, signals urinary bladder to contract, and through urinary opening called the urethra we excrete the urine. Urine par pressure badhta hai, urine ko hold karne ki capacity jab urinary bladder ki full ho jati hai to ye brain ko message deta hai, and now then brain signals the urinary bladder to excrete out through urethra. So this is how the excretory system works in human. Now comes let us see detail of kidney, kyunki kidney ka jo unit hai wo nephron, wo basic kaam karta hai urine ke formation ka, isliye यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन का कंपोजिशन समझने के पहले जरूरी है कि किडनी को अच्छे से समझें। सो वी हैव ऑलरेडी सीन किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, एज आई हैव टोल्ड यू, ये डॉर्सल व्यू में डॉर्सली सिचुएटेड होता है, पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है, बैकबोन के दोनों साइड में, जस्ट बिलो द रिब्स। ये रिब्स आप देख रहे होंगे, ये रिब, ये बैकबोन है, बैकबोन के दोनों साइड में किडनीज हैं, और ये एक अनदर फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, दीज आर द रिब्स, और रिब्स जहाँ पे खत्म होते हैं वहां पर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं दो किडनीज। ईच किडनी हैज अ लेंथ ऑफ 10 टू 12 सेंटीमीटर, ये सब आपको याद करना होगा, विड्थ ऑफ 5 टू 7 सेंटीमीटर एंड वेज अबाउट 120 टू 170 170 gram in weight. So these are the facts that you should have to by heart. आपको याद करना होगा. Kidneys have inner concave structure and the blood vessels, ureter and nerves enter the kidneys through the hilum. So this is the hilum. यहाँ पे इस diagram को समझिए. The blood vessels, अभी इसके बाद हम देखेंगे और details में कि ये जो part है कि kidney divided होती है, actually kidney को अगर हम section में देखें तो ये बाहर का जो thick part है, this is capsule और this is the cortex. Capsule, अब कैप्सूल और डिटेल्स हम थोड़ा इसके बाद समझेंगे। दिस इज कॉर्टेक्स, ये जो थिक पार्ट यहाँ दिख रहा है, दिस रिमेन्स कवर्ड अंडर ए कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ये इसके बाद देखेंगे। और ये जो पिरामिड की लाइक के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द रीनल पिरामिड्स ऑफ मेडुलरी, मेडुलरी पिरामिड्स भी इसको कह सकते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड्स ज्वाइन होकर के बनाते हैं, दिस इज, दीज आर द कलेक्टिव डक्ट्स जो टुगेदर बनाते हैं रीनल हाइलम, दिस इज रीनल हाइलम एंड दिस इज पेल्विस। एक्चुअली पेल्विस इज द स्मॉल हॉलो गैप जिसमें कंटिन्यू करता है
सॉरी द कॉमन कलेक्टिव डक्ट में जाता है. सो ये स्ट्रक्चर फिर से अभी हम थोड़ा देखते हैं, विच इज अ नॉच एट द इनर कनकेव सर्फेस ऑफ द किडनी. ये जो पोर्शन बना हुआ है, दिस इज द रीनल हाइलम. ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये किडनी का जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है, इसके बीच में हाइलम सिचुएटेड होता है. So this is the structure. This is inferior vena cava. This is adrenal gland. This is renal artery. This is pelvis. Pelvis we have. अब ये pelvis is the space in the kidney. जो एक large renal pelvis is a funnel shaped space present inner to hilum. ये जो hilum अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें एक छोटा खाली space को हम कह सकते हैं. इसमें this is called as renal pelvis. और इस pelvis region में many projections known as calyces. So many calyces are present, जिसको calyx singly हम बोलेंगे. So ये अगर internal structure, एक और structure है. These are the renal pyramids, medullary pyramids. This is the cortex. ये adrenal gland है. इसके बाहर की तरफ एक covering होती है जिसको हम कहते हैं peritoneum. This is यहाँ पे show किया हुआ है. अब ये आपको याद रखने की बात है कि kidney के cover को peritoneum कहते हैं, heart की को cover करने वाले membrane को pericardium कहते हैं, brain को cover करने वाले membrane को meninges कहते हैं, इसी तरह से lungs को cover करने वाले membrane को pleural membrane कहते हैं. These are the certain related substances. Now outer covering is peritoneum. Then comes the structure of kidney. अगर हम details में देखें, यहाँ पे हम देख चुके हैं सारे details, in general details we have seen. Now structure of kidney in details अब हम देखते हैं. जो ये diagram तो हम देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए details में. This is the renal pyramid or the renal medulla. ये जो pyramid के structures के दिख रहे हैं, these are the renal medulla. अब let's see, I'll just try to, so this अगर हम यहाँ पे draw करें, I'll try to grab it. This is the part. यहाँ पे जो renal, ये बाहरी covering pericardium हो गया, उसके नीचे capsular connective tissue का cover हो गया, ये हम देख करके आ रहे हैं. अब इसके बाद यहाँ पे जो pelvis है, यहाँ पे hilum है, यहाँ से फिर ये इस तरह के renal या मेडुलरी पिरामिडल स्ट्रक्चर बने हुए हैं. ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रीनल पिरामिड्स और ये बनाते हैं मेडुला. सो यू मस्ट बी लुकिंग हियर. ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बनाए, इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि दिस डायग्राम वी हैव गॉट, दिस इज द कॉर्टिक्स एंड दिस इज मेडुला. ये एरिया कॉर्टिक्स का है जहां पर बंडल्स ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुल्स या बाउमेंस कैप्सूल. ये वीडियो में आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्लोमेरुलस और ये जो कप के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल जो पीछे की तरफ कंटिन्यू होता है इन टू द टिब्यूल्स. सो डिटेल स्ट्रक्चर आई विल जस्ट शो. सो दीज आर द नेफ्रॉन्स. So, यहां तक हम काफी कुछ देख चुके हैं. रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, रीनल पेल्विस है, दिस इज द पेल्विक एरिया, ये रीनल हाइलम है, दिस एरिया इज, अब हाइलम और पेल्विस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज हाइलम जहां पर ब्रांचेस निकले हैं. अभी इसके डिफरेंसेस अभी हम देख लेंगे. दिस इज हाइलम. राइटिंग थोड़ी सी बिखर रही है स्क्रीन पे लिखने में. ये हाइलम वो एरिया है जिसमें आप देख रहे हैं ये पिंक कलर से बहुत सारे ब्रांचेज हैं. ये कलेक्टिव यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो है, नेफ्रॉन अभी हम देखेंगे, ये दो मेन पार्ट का बना होता है, एक कप की तरह का पार्ट जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और दूसरा एक ये कप हो गया और ये पीछे की तरफ कंटिन्यू होता है एक ट्यूब्यूल में, यूरिनरी ट्यूब्यूल जो कि फोल्डेड रहता है इस तरह से तीन भाग में, प्रॉक्सिमल, हेनलेज लूप एंड डिस्टल पार्ट. तो ये जो पार्ट है, ये रीजन जिसमें ग्लोमेरुलस हैं, ब्लड कैपिलरीज और कप शेप, ये सारा आपका अरेंज है यहाँ पे, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स में. और यहाँ से जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, ये जाता के खुलता है, ये एक साथ बनाते हैं रीनल पिरामिड्स, और हर एक पिरामिड का एंड होता है एक कलेक्टिंग डक्ट में. इस तरह के कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर के हाइलम बनाते हैं, और ये सारे हाइलम की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के यूरेटर बनाएंगे.
सो एंड ये है आपका पेल्विस, जहां पर खाली स्पेस है जिसमें कि ये सारा हाइलम से डक्ट्स निकलते हैं, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे और ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बनाता है यूरेटर. दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. Nephrons are, जैसा हम देख चुके हैं कि कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेरिटोनियम. देन कम्स देयर आर टू जोन्स, आउटर जोन इज कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज मेडुला. कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिन. ये सारे टर्म्स आपको याद रखने होंगे. ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, ये जो पिरामिड्स हैं, इनके बीच में भी आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि इन पिरामिड्स के बीच बीच में कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड हो रहा है एंड दिस इज द कॉलम ऑफ बर्टिन. अब ये आपको सारा ये क्वेश्चन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कॉलम ऑफ बर्टिन? दीज आर द कॉर्टिकल पार्ट्स इंटरवेनिंग द मेडुलरी पिरामिड्स. जो मेडुलरी पिरामिड्स है इनके बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टिन. नाउ ईच यूनिट इज ऑफ अ किडनी, जैसे कि दीवाल के यूनिट्स होते हैं ब्रिक्स, वैसे ही किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अब इसी तरह से ब्रेन का यूनिट था, हमने देखा था न्यूरॉन्स, इसी तरह से यहाँ पे नेफ्रॉन है. ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल. ये सारी चीजें हम देख करके आ चुके हैं. ये डायग्राम, अब इसी तरह का एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा कि इसको ड्रॉ कीजिए, इसको लेबल कीजिए. या एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ क्रॉस सेक्शन और द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी एंड लेबल इट, या एक किडनी का ये इस तरह का डायग्राम ही दे दिया जाएगा, उसको लेबल करने दिया जाएगा. तो यहाँ पे अगर आपकी लेबलिंग होगी तो 1, 2, 3, 4 आप अपना बनाइएगा. मैं आपको लेबलिंग बता दे रही हूँ. ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, और ये जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, प्लूरल इज ग्लोमेरुलाई. दीज आर द आर्टरीज, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ जो अंदर की तरफ जा रहा है वो आर्टरीज कहलाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स और एफरेंट कैपिलरीज, और जो बाहर की तरफ ये निकल रहे हैं दीज आर द efferent arterioles. ये arteries के branch हैं जो kidney में जा रहा है. यहाँ पे filtration होता है, यहाँ पे Bowman's capsule वाले region में गंदा खून में से छान छान करके Bowman's capsule के wall में यहाँ पर छोड़ देता है किडनी, और ये फिर से छना हुआ ब्लड, फिल्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, ये बाहर निकलता है. अभी भी ये कलर इसका रेड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है. इसको ऑक्सीजन देना है हर पार्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम के, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, एक्सक्रीटरी रिएक्शंस के लिए. तो अब यहाँ से ये इफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू बाहर निकलता है और अब ये यहाँ पे एक बार फिर से कैपिलरीज बनाएगा ये आर्टीरियोल्स, और ये आर्टीरियोल्स ज्वाइन करेंगे थ्रू द वीनल कैपिलरीज. आर्टरीज छना हुआ ब्लड, साफ ब्लड आर्टरी से बाहर आया. अब इसके बाद ये कैपिलरीज में जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में जो रिएक्शंस होते हैं, अगले इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको कि इस तरह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, इनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू इस तरह से आर्टरीज, ये जो रिएक्शंस होंगे पूरे सिस्टम में रन कर रहा है, आर्टरी भी और वेन भी, जहां पर जहां यहाँ जो जितने भी सेल्स हैं, ये एक्चुअली इनका सेल्स का सेलुलर वॉल है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं सब में सेल्स हैं, तो इन सब सेल्स में एक्टिविटीज हो रही है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने वाला ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अब रीनल वेन में चला जाएगा, वेना कवा में चला जाएगा, और वेना कवा से ये कलेक्ट होकर के ये यहाँ पे छानता हुआ जाएगा, फिल्ट्रेट इसमें आ जाएगा. ये जो आपका ये जो यहाँ से फिल्ट्रेट आया है, अब यहाँ पे यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेजेस होंगे. ये जो लूप है बाउमिस कैप्सूल के नीचे का जो लूप है, ये तीन भागों में बटा हुआ है. फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन हेनलेज लूप. दिस एरिया इज, ये जो थर्ड पार्ट है, दिस इज हेनलेज लूप. And this is
ये जो लेबल करने के लिए सेकेंड पार्ट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस एरिया विल बी, हियर विल बी द पीसीटी. यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जिन इनके अलग अलग फंक्शंस हम आगे देखने जा रहे हैं. दिस इज द कॉमन यूरेटर, दिस इज द कॉमन डक्ट ऑफ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ यूरेटर, जो जाकर के दिस इज कॉमन डक्ट एंड दिस इज यूरेटर. अब यहां से ये इम्प्यूरिफाइड या कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है थ्रू द रीनल, थ्रू द हिपैटिक पोर्टल वेन टू द हार्ट. ये इसको, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल वेन. यहाँ से हार्ट में जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा और फिर जाएगा बाहर. सो ग्लोमेरुलस कंसेप्ट्स कंसिस्ट ऑफ बंच ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल्स. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. जो ग्लोमेरुलस में ब्लड की कैपिलरी जा रही हैं वो एफरेंट हैं और बाहर निकलती हैं वो इफरेंट है. देन ये देखिए यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किडनी में जा रहे हैं रेड कलर के ब्लड से, किडनी से निकल रहा है ब्लू कलर के वेन में जा रहा है. अब ये जितना भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी यहाँ, यहाँ जितनी एक्टिविटीज हुई है हर सब में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, सबको लेकर के जा रहा है. और ये येलो कलर से जो पास हो रहा है यूरेटर के थ्रू, ये यूरिन है जो अब यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन बाहर निकलेगा. सो दीज रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विथ अ कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बॉमेंस कैप्सूल दैट इज द नेफ्रॉन. ये डिटेल्स हम देख चुके हैं. नाउ फॉर योर लैंग्वेज यू कैन फ्रीज और यू कैन सी दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अगेन, वन दिस इज वन नेफ्रॉन. ये बॉमेंस कैप्सूल है. दिस स्ट्रक्चर इज बॉमेंस कैप्सूल. दिस रेड कलर इज ग्लोमेरुलस, द प्लूरल इज ग्लोमेरुलाई. This is the renal tubule or convoluted tubule divided into three parts. PCT, proximal distal tubule. The loop-like structure is Henle's loop after the name of Henle. And then comes the DCT, that is the distal proximal tubule. ये सब हम इसके पहले देख करके आ चुके हैं. Now this is the, यहाँ पे बस ये पार्ट वहां हमने नहीं देखा था. देखिए आर्टरी से कैसे कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेन्स में जाता है आफ्टर द फिल्ट्रेशन, और अब ये वेन से कलेक्ट होगा. सो दिस पार्ट ओनली सपोज टू से. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी. ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है. आप चाहें तो यहाँ से इनको लेकर के याद कर सकते हैं. अब ये चीज हम देख चुके हैं कि कैसे यूरिनरी ब्लैडर ब्रेन के कंट्रोल में रहता है, ब्रेन से सिग्नल आता है और यूरिनरी ब्लैडर को जब सिग्नल मिलता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का एक्सक्रीशन होता है. सो दिस मैकेनिज्म ऑफ यूरिन excretion in human, that is the urine formation, can be divided under three headings: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. Glomerular filtration is the primary step. इसमें हम देख चुके हैं कि जो ब्लड आ रहा है afferent arterioles के थ्रू, इन arterioles के थ्रू जब ब्लड जाता है किडनी में तो किडनी, तब उस ब्लड में बहुत सारे nitrogenous wastes भी हैं, साथ साथ एक्सेस ऑफ वाटर भी है, जो वाटर बना वो भी है, बहुत सारे ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बॉडी को चाहिए, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनको शरीर को चाहिए. बट जब ब्लड छनने के लिए आता है तो उसमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे ब्लड में हैं. तो उन ब्लड में से जिन चीजों को बाहर निकालना है, बॉडी को के लिए हार्मफुल है, तो हर बात, एक क्लास का बच्चा है छोटा सा, उसे कहा गया कि जो आ रहा है उसमें से मोटी मोटी चीजें पकड़ लेना. उसको वो ग्लूकोज को भी पकड़ लेता है, अमाइनो एसिड्स को भी पकड़ लेता है, सबको छान करके निकाल देता है कि ये तो मोटा दिख रहा है, सबको जाने दो थ्रू द बाउमेंस कैप्सूल के कैप में ये सारी चीजें भेज देता है. बट ये सारी चीजें, इनमें से बहुत सारी चीजें शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जिनमें मुख्य रूप से होते हैं ग्लूकोज, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जिनको कि सेकेंड स्टेप है रीअब्सॉर्प्शन. यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें जिनमें मुख्य रूप से ग्लूकोज हो गया, कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स हो गए, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्रिएटिनिन,
इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स लाइक सोडियम पोटेशियम आदि, देन आयंस, ये सारी चीजें जो बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं उनको भी छान देता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टीरियोल्स जो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है बामिस कैप्सूल में उसमें. तो जब बामिस कैप्सूल से ब्लड पहुंचता है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, तो वहां पे इन सब चीजों को वहां का दीवाल सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. सो सब इंपॉर्टेंट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, जो चीजें जरूरी हैं. वाटर इन्वॉल्व्स पैसिव अब्सॉर्प्शन वाइल ग्लूकोज एंड सोडियम इन्वॉल्व्स एक्टिव प्रोसेस. अब ये पैसिव एक्टिव हम बहुत बार देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, हीट प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये सारे रिएक्शन होते हैं. देन कम्स दैट सिक्रीशन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. ये सारे टर्म्स आपको जरूर याद रखने चाहिए. देन कम्स द यूरिन. अब इन सब प्रोसेसेस के बाद अब ये सिक्रीशन क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें से ट्यूब्यूल से, जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसमें से पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स लाइक यूरोक्रोम वगैरह सिक्रीट करके वापस जो यूरिन के रूप में जो कॉम्पोजिशन जा रहा है उसमें डाला जाता है टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी. एंड दैट्स द यूरिन इज फॉर्म्ड हैविंग अ कॉम्पोजिशन ऑफ 95% ऑफ वाटर, 5% ऑफ यूरिन कंप्राइजेज इसमें 2 to 2.5% होता है यूरिया एंड अराउंड 2% कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जिनमें आता है. एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्रिएटिनिन, आपने बहुत बार सुना होगा कि ज्यादा क्रिएटिनिन बाहर निकले तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है. नाउ दीज आर द जो हमने देखा उसको लैंग्वेज में दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस में क्या क्या होता है, पीसीटी में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, असेंडिंग लूप में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, ये सारी चीजें लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे इनसे ले सकते हैं. नाउ द मिक्टूरिशन, दिस इज अ वेरी यूनिक टर्म. जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता चला जाता है, यूरिन से भरता चला जाता है और जब ये कंट्रोल नहीं कर सकता है तब बाहर निकलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्टूरिशन. सो दिस इज हाउ किडनीज वर्क. दिस इज द रीनल पाथवे, रीनल वेन आर्टरी, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं डिटेल्स में. ये थोड़े से रिप्रेजेंटेशन सब क्या क्या किडनी करता है, रेगुलेशन ऑफ आयंस इन ब्लड, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ब्लड का पीएच एसिडिक होता है, 4.8, 5 से नीचे अगर है तो एसिडिक है, तो वो पीएच को मेंटेन करना, ब्लड बॉडी का पीएच होना चाहिए अल्कलिक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इन जनरल, तो इस कंडीशन को भी मेंटेन करता है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स लाइक कैल्सिट्रॉल, कैल्शियम, होम्योस्टेसिस, एरिथ्रोपोएटिन, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनको किडनी बनाता है. देन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, सो इट रेगुलेट्स द बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स ब्लड सेल प्रोडक्शन, देन इट क्रिएट्स यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, इंडक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लड पीएच एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. तो ये बहुत सारे काम करता है जिसको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर, अगर किडनी ठीक से काम नहीं करे इस मामले में एक चीज और जानना जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी में एक भी किडनी सही से काम कर रहा है तो आपकी बॉडी आराम से चल सकती है जिंदगी. दैट इज भगवान ने दो किडनी शायद इसलिए दिया है कि किसी और को जरूरत है तो आप आराम से दे सकते हैं उसको. दैट इज कॉल्ड एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. नाउ किडनी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जिनमें नॉर्मल किडनी स्मूथ लेयर होता है, इन्फेक्शियस किडनीज में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी इंफ्लेमेशन होता है, और अगर किडनी में स्टोन है तो आप देखिए राइट साइड में बहुत सीवियर पेन बैक में होता है, दैट इज अ साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स. देन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दीज आर फ्यू डिजीजेस जो बहुत बुरी तरह किडनी को अफेक्ट करते हैं, किडनी के
किडनी के डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, और अगर इनको समय रहते नहीं कंट्रोल किया जाए तो किडनी फेल्योर की स्थिति आती है। और किडनी फेल्योर के कंडीशन में फिर दो ही तरीके होते हैं उनको रिमूव उस कंडीशन को रिकर करने के लिए, या तो किडनी को ट्रांसप्लांट करें या हीमोडायलिसिस पे जाएं। दैट अब ये एक और बीमारी है किडनी की प्रॉब्लम, यूरेमिया। एक्चुअली यूरेमिया वो कंडीशन है, कब ज्यादातर कम पानी पीने से भी होता है, बट कुछ कुछ जेनेटिक भी होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और बहुत कम समय में वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत बैड स्मेलिंग कंडीशंस होती हैं। सो अब किडनी में पेन किन किन वजहों से हो सकता है? दिस इज किडनी ट्रॉमा, रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी इन्फेक्शन, रीनल ट्यूमर्स, कभी कभी किडनी में स्टोन हो जाते हैं। एक और प्रॉब्लम किडनी में की वजह से हो सकता है, किडनी में नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, दैट इज गॉटर या गठिया। गठिया में एक्चुअली क्या होता है, जो यूरिक एसिड जब ज्यादा जमा होने लगता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, किडनी में एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज, थोड़ा सा उसका नाम हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गॉटर। ओके, आई विल जस्ट टेल यू, एक लिक्विड जिसकी जो लिब्रिकेट करके रखता है जोड़ों में, साइनोवियल फ्लूइड होता है किडनीज में, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं घुटनों के, किडनीज में नहीं, बोन्स के बीच में ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, और इनकी जगह जब किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है तो यूरिक एसिड जमा होने लगता है, दैट कॉजेज गठिया। एक्चुअली मेन रीजन गठिया, आपने सुना होगा अर्थराइटिस, बोन अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत तरह के साइंस होते हैं, वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। नाउ द ट्रीटमेंट, अगर किडनी बिल्कुल ही काम नहीं करे तो, अब ये एक चीज और एक इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है, डायलिसिस। डायलिसिस किडनी ऑटोमेटिक कर रहा है, आपका ब्लड को छान रहा है, उसमें से यूरिया और एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाल रहा है। अगर किडनी आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज डायलाइजर, और ये ब्लड के थ्रू किया जाता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। इस हीमोडायलिसिस में ब्लड को आर्टरी के थ्रू पेशेंट के ब्लड को पास कराते हैं एक ट्यूब्स के थ्रू, एक चेंबर में, जहां पर की जो लिक्विड रहती है जिसको डायलाइजर लिक्विड कहते हैं, ये फिल्ड रहता है, ये एग्जैक्टली यूरिन के कॉम्पोजिशन का होता है, बस इसमें यूरिया नहीं होता है, तो इसमें जो एक्सेस ऑफ यूरिया है ये यहाँ पे जमा हो जाता है, और फ्रेश डायलिसिस, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, दिस इज द डायलाइजर सॉल्यूशन, यहाँ से पास होता है, यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन में से एक्सेस यूरिया आ जाता है, इसको कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, और प्यूरिफाइड ब्लड को वापस बॉडी में डाल दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। अगर दिस यहाँ से आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, वेन के थ्रू ब्लड डाला जाता है, इसमें से आर्म में डाला जाता है, ब्लड पंप किया जाता है, ब्लड को इन थिनर डाला जाता है ब्लड में, दिस इज द स्टेप्स ऑफ हीमोडायलिसिस। यहाँ डायलाइजर फ्लूइड है जिसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूरिन की तरह है, सिर्फ इसमें यूरिया नहीं है, यहाँ से अब ये पास होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, जिससे कि वेस्ट ड्रेनेज एक्सेस ऑफ यूरिया निकल जाता है और प्यूरिफाइड ब्लड वापस डाल दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू अनदर सेट ऑफ ट्यूब्स। सो दीज आर द थिंग्स, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, प्रोजेक्ट करके आप किडनी में एक प्रोजेक्ट, किडनी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम हो सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल लाइफ प्रोसेस। आई होप ये सारी चीजें आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम किडनी क्लास 10 की बायोलॉजी को यहीं पे कंट्रोल करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। So, thank you. Like कीजिए, bell का button दबाइए, हम फिर मिलते हैं।